चौरी चौरा पुलिस ने शुक्रवार को अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में घटना का खुलासा करते हुए कहा कि 20 अक्टूबर को रामू कन्नौजिया ने अपने पुत्र के अपहरण के संबंध में चौरी चौरा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसको लेकर अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए दो टीमें लगाई गई थी। दोनों टीमें संभावित स्थानों पर लगातार तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोनबरसा बाजार से थोड़ा आगे एक बच्चे को, जिसकी उम्र करीब 4 वर्ष है, लेकर खड़ा है, जिस पर टीम द्वारा तत्परता से पहुंचकर अपहृत की फोटो से मिलान कराया गया तो वही बच्चा पाया गया तथा अपहृत बालक के साथ खड़े व्यक्ति की तरफ बढ़ा गया तो वह भागने का प्रयास किया, तभी उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान रामू कन्नौजिया पुत्र अवधेश प्रसाद निवासी धर्मौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई। एसपी नॉर्थ ने बताया कि पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपहरण की बात स्वीकार करते हुए अपहरण का उद्देश्य बताया कि अपहृत की मां और उसके बीच विगत कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग था, जिसकी भनक बालक के पिता को लग गई थी। बालक के पिता को सबक सिखाने के लिए उसने बच्चे का अपहरण 20 अक्टूबर को विशंबरपुर गांव से बहला फुसला कर किया था ताकि उसका पति उसे तलाक दे दे। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अपहृत बालक को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया है तथा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। बरामद करने वाली टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी श्याम बहादुर सिंह, उप निरीक्षक मदन मोहन मिश्रा, रवि सेन यादव, प्रदीप कुमार सिंह, कांस्टेबल प्रिंस यादव, पीयूष कुमार सिंह सहित राजन कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वो तो घर से हमारे यहाँ 3.5 साल से जेल के जाते समय कहीं कुशल कार्यक्रम कुशल नहीं बच्चे को मान लेते थे दिनांक 20/10/21 को समय करीब 11 बजे ग्राम विशंबरपुर थाना चौरी चौरा से धीरेंद्र गौड़ ने ये सूचना दिया कि उनके 4 वर्षीय पुत्र अंशु का अपहरण हो गया है। इस सूचना पर थाने में FIR दर्ज की गई और गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गईं, जिसमें सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर उस बच्चे की बरामदगी कर ली गई और जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जो इस समय तक विवेचना से वजह सामने आ रही है वो जो अभियुक्त है उसका धीरेंद्र गौड़ जो बच्चे का पिता है उसकी पत्नी से कुछ संबंध था, तो वो चाह रहा था कि किसी तरह से उनसे आपस में तलाक हो जाए, तो इसके लिए दबाव बनाने की वजह से उसने बच्चे का अपहरण किया था कि बच्चे का अपहरण कर लें तो दबाव में आके ये उसको तलाक दे दे जिससे वो उससे शादी कर सके। बच्चे की बरामदगी देवरिया मोड़ के पास से हुई है थाने चौरी चौरा क्षेत्र से। आरोपी कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है, अब इसको जेल भेजा जाएगा, आरोपी को जेल भेजा जाएगा और बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द किया जाएगा। नहीं, माँ को आरोपी नहीं बनाया गया है, माँ का कोई इसमें ऐसा आपराधिक भूमिका नहीं पाई जा रही है। अपहरण की वजह यही थी कि वो जो अपहरण करता है वो ये चाह रहा था कि किसी भी तरह से दबाव बना के, बच्चे का अपहरण करके दबाव बना के और धीरेंद्र गौड़ और उसकी पत्नी में तलाक कराया जाए, वो उसको तलाक देते हैं।